फ्रेंड्स, आज हम सेकंड सीरीज लेकर आए हैं। हमने बताया था कि विलोम शब्द के हमारी सीरीज चलती रहेगी और उसमें फर्स्ट सीरीज हम डाल चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। रिमेनिंग हम आज डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद आने वाली सीरीज में हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए, बिना डिले किए हम स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को आप तो केवल सुनिएगा बस, अगर आपको लगता है तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, लिख डालिएगा। अदरवाइज अगर आप सुन भी लेते हैं तो भी आपको कंप्लीट हो जाता है। इसमें एक भी विलोम शब्द इससे बाहर का बिल्कुल नहीं आएगा, अगर आप हमारी सभी वीडियोस को देख लेते हैं तब। चलिए, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसा कि है कनिष्ठ, ठीक है ना। तो कनिष्ठ, कनिष्ठ का होता है वरिष्ठ या फिर ज्येष्ठ, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्रूर, क्रूर का होगा सदैव, मतलब जैसे जो क्रूर बहुत निर्दयी हो तो सदैव यहाँ पर रखा गया है, ठीक है ना। फिर है कुसुम, कुसुम का होता है वज्र। फिर है कीर्ति, कीर्ति का अपकीर्ति। क्रमबद्ध, क्रमहीन। काम का निष्काम। फिर देखिए आप, कार्य है, कार्य का अकार्य होगा। कर्मठ है, कर्मठ का आलसी होगा। फिर है कृश, कृश का होगा पुष्ट या फिर स्थूल या फिर प्रवृद्ध। इतना ध्यान रखना आपका, कृश का पुष्ट आ सकता है या फिर स्थूल आ सकता है या फिर प्रवृद्ध आ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कलुष, कलुष का होगा निष्कलुष। कृपा, अकृपा या फिर कोप, कहते ना कोप मतलब गुस्सा करना। फिर है कृत्रिम, कृत्रिम का होगा प्राकृत या फिर स्वाभाविक या फिर नैसर्गिक, ठीक है ना। आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नैसर्गिक कैसे लिखा गया इसको भी आप देख लीजिएगा, ये शुद्ध और अशुद्ध शब्दों में आ सकता है। कल्पित का वास्तविक होगा। कदाचित, निश्चित। कुसंगति, सत्संगति। कृष्ण, श्वेत या फिर शुक्ल, ठीक है ना। इतना ध्यान रखिए आप, कृष्ण का श्वेत या शुक्ल। नेक्स्ट है आपका कल्पनातीत, काल्पनिक होगा इसका, कल्पनातीत का काल्पनिक। कृपणता का उदारता। कुकृत्य का सुकृत्य। कर्मण्य का अकर्मण्य, ठीक है ना, कहते हैं कर्मण और अकर्मण्य। नेक्स्ट है आपका कदाचार, कदाचार का होगा सदाचार। फिर है कलयुग, कलयुग का होगा सतयुग। फिर है कुलदीप, कुलदीप का होगा कुलांगर, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। फिर है खाद्य, खाद्य का होगा अखाद्य। खरा, खरा का होगा खोटा। नेक्स्ट है खंडन, खंडन का होगा मंडन। फिर है ख्याल, ख्याल का होगा स्टूडेंट्स ये है ख्यात, ठीक है ना। क्या है ख्यात, ख्यात का होगा कुख्यात, कहते हैं बड़ा कुख्यात अपराधी है, तो यहाँ पर ख्यात का क्या है कुख्यात है। फिर आम है, आम का खास, कहते नहीं बड़ा आम है ये हमारे, मतलब आम जन है, तो खास मतलब हमारे बहुत खास हो गए, नजदीक के हो गए। खगोल, भूगोल। खग, मृग। खींचना, रीझना। खेचर, खेचर का भूचर, यहाँ रखिएगा, खेचर का भूचर। फिर है खेद, खेद का प्रसन्न। गंभीर, गंभीर का उथला या फिर चपल या फिर वाचाल, ठीक है ना। कई शब्दों में इसका हम यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका ग्रही, ग्रही का होगा त्यागी या फिर अग्रही, ठीक है ना। फिर है गत, गत का आगत या फिर प्रत्यागत। फिर है गुणाढ्य, गुणाढ्य का गुणहीन। गुरु, गुरु का शिष्य या फिर लघु, ठीक है ना, गुरु का शिष्य होगा या फिर लघु होगा। फिर है ग्राह, ग्राह का होगा त्याज या फिर आग्राह, ग्राह का त्याज होगा या फिर आग्राह होगा। नेक्स्ट है गृहत या फिर गृहस्थ, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, गृहत है या फिर गृहस्थ है, इसका होगा संयस्त या फिर संयासी या फिर ब्रह्मचारी, ठीक है ना। गृहस्थ का क्या होगा संयासी, कहते हैं संन्यासी है या फिर ब्रह्मचारी है। नेक्स्ट है गणतंत्र, गणतंत्र का राजतंत्र होगा। गद्य, पद्य। गूढ़, प्रकट। गहरा, छिछला। ग्राहिता या फिर दाता, ग्राहिता क्या होगा दाता होगा। गोपनीय का प्रकाशनीय। गीत का विराम या फिर अवरोध, ठीक है ना। सॉरी, यहां पर क्या है, गति का क्या होगा विराम होगा या फिर अवरोध होगा, ठीक है ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गीत, गीत का क्या होगा अगीत, गीत का क्या होगा फ्रेंड्स अगीत होगा। नेक्स्ट है गीर्ण, गा पे बड़ी मात्रा अड़ा और उपरा, गीर्ण का उद्गीर्ण। नेक्स्ट है गुप्त,
गुप्त का होगा प्रकट, फिर है गौड़, गौड़ का होगा मुख्य, फिर है गौरव, गौरव क्या होगा लाघव, गौरव क्या होगा लाघव होगा, फिर है ग्राम्य, ग्राम्य का क्या होगा नगर, ग्राम्य का क्या होगा नगर होगा। नेक्स्ट है गगन, गगन का क्या होगा पृथ्वी, और नेक्स्ट है आपका ग्रस्त, ग्रस्त का क्या होगा मुक्त। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है जिसमें आपको सभी मिलेंगे, बहुत सिंपल से हमने नहीं ऐड किए हैं, और इनमें से जितने भी लगभग है लिखे हैं ये कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आए हुए हैं फ्रेंड्स, वहीं से हमने इनको लिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। आपको लग रहा होगा कि बड़े आसान है, आसान है तो एक बार आप सुन लीजिए, जा क्या रहा आपका, है कि नहीं, आपको रिविजन हो जाएगा। कभी कभी कोई चीज़ हमको आती रहती है बट अगर एग्जाम में मेरे सामने आ जाता है तो हम उसको कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं इसका ये होगा कि नहीं होगा, बट अगर आप एक बार वीडियो देख ले रहे हैं कहीं मत इसका नोट्स बनाइए, केवल देख भर लीजिए बस आप, तो भी आपको कन्फर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गरल, गरल का होगा सुधा, फिर है गरिमा, गरिमा का होगा लघिमा, फिर है घना, घना का होगा विरल, फिर है घात, घात का होगा प्रतिघात, फिर है घातक, घातक का होगा रक्षक, घृणा का फिर स्नेह या प्रेम, घटक का समुदाय, घटक का क्या होगा समुदाय होगा, फिर है अघोषित मीन्स घोषित, घोषित का अघोषित होगा। नेक्स्ट है घोष, घोष का होगा निर्घोष या फिर सघोष या मीन्स अघोष, घोष का क्या होगा निर्घोष या फिर अघोष। घनिष्ठ का क्या होगा दूरस्थ, चर्चित का अचर्चित, चपल का स्थिर, चांचल्य का अस्थैर्य, चिर का अचिर, चेतन का अचेतन या फिर जड़, चिरंतन का नश्वर, चिरंतन का क्या होगा नश्वर होगा, चिरंजीवी का अल्पजीवी, च्युत, च्युत का होगा संयुत, फिर चेष्ट, चेष्ट का होगा निश्चेष्ट, चेतना, चेतना का होगा मूर्छा, फिर है चित्र, चित्र का विचित्र, ठीक है ना, फिर है लास्ट में चारु, चारु का चारु।